हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं LIC रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें LIC में कुछ पोस्ट निकली हैं, गवर्नमेंट जॉब निकली हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं LIC की गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से LIC लोन कराती है, उस डिपार्टमेंट में विज्ञप्ति निकली है, और जहां पर 7 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए के आसपास का आपको सालाना पैकेज दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट जो आपको ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप बेल आइकन हिट ज़रूर करें, क्योंकि YouTube ने मुझे मेल भेज के बताया है कि मेरे 90% व्यूअर जो आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना या तो भूल जा रहे हैं या फिर इंटेंशनली नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आ पाऊँगा। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। LIC में जो रिक्रूटमेंट निकली है, उसका डिटेल आप चाहें तो LIC India.in पर जाकर के देख भी सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी उसका जो एडवर्टीजमेंट है LIC ने जो दिया है, उसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको दे दूंगा। उस लिंक पर डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं और पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ये जो कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में स्थित है, उन्होंने CSR रिक्रूटमेंट के नाम से ये रिक्रूटमेंट विज्ञप्ति जारी की है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो LIC की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो लोन कराती है, हाउसिंग फाइनेंस कराती है, वहाँ पर ये जॉब निकली है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको किसी भी सोशल वर्क या रूरल मैनेजमेंट में कम से कम एग्रीगेट 55% या उससे ज़्यादा के अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री नहीं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम या कॉरेस्पोंडेंस डिग्री अलाउड नहीं होंगी, वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की, कि इसमें 23 ईयर से लेकर के 30 ईयर तक के कोई भी लोग, लड़का या लड़की, अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को जो है वो 23 साल से लेकर के 30 साल के बीच है। तो अगर आप भी इस एज ग्रुप में आते हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है कम से कम 1 साल का, किस चीज़ में, किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मेंटोरिंग या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, या CSR। अब ये जो CSR रिक्रूटमेंट है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। CSR मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है, कई जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके गवर्नमेंट ने रूल बना के दिया है कि भाई जो भी आप पैसा कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसका 2% कंपलसरी लॉ के अंतर्गत आपको जो है सोसाइटी के लिए खर्च करना है, आपको समाज की भलाई के लिए खर्च करना है। तो ये यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे दिखाने होंगे, और उसके बाद जो भी परसेंटेज आप मेंशन कर रहे फॉर्म भरते वक्त, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। परसेंटेज की कैलकुलेशन वो 100 मार्क्स के आधार पर होगी। इस तरीके से डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं मोटा मोटा आपको इसके बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूँ, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पोजिशन ऑफर्ड, क्या पोजीशन आपको ऑफर की जाएगी। इसमें जो कैडर है वो एसोसिएट लेवल के हैं, और जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट लेवल की डेजिग्नेशन आपको दी जाएगी। वहाँ पर एक प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना होगा 6 मंथ के लिए, आप नोटिस पीरियड में रहेंगे, जहाँ पर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, और उसके बाद ये चाहे तो, अगर LIC चाहे तो उसको अगले 6 महीने तक, यानी कि पूरा 1 साल तक वो प्रोबेशन पीरियड में आपको रख सकती है। इस तरीके से है। नंबर ऑफ पोजीशन की अगर बात करें, तो 6 वैकेंसीज हैं ये टोटल ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। यहाँ पर उन्होंने लिखा है एक नोट, उसमें लिखा है कि नो मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी
रिटेंड। अगर आपने गलती से 2-3 बार अप्लाई कर दिया है तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पर जाएगी, लेटेस्ट इन द सेंस जो भी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पर आप पहुँचाएंगे उस हिसाब से, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो जो लोड लेटेस्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन होगी वही कंसिडर की जाएगी। जॉब लोकेशन यहाँ पर दिल्ली के लिए है, कोलकाता के लिए है, बेंगलुरु के लिए है, भोपाल और मुंबई, यानी कि 6 लोकेशंस के लिए 6 पोस्ट हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पर आपको करना क्या है इस जॉब को लेने के बाद में। यहाँ पर CSR का जो प्रपोजल है उसकी आपको सोर्सिंग करनी है, आपको ढूंढना है कि कौन कौन CSR दे रहा है मार्केट में कॉर्पोरेट्स में। प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, और उसके बाद आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। रेगुलर फील्ड विजिट्स होंगी आपकी और रिपोर्टिंग होंगी, उसके बाद CSR जो रीज़न है कॉर्पोरेट ऑफिसेस से वहाँ पे विजिट करके मीटिंग करनी हो सकती हैं, उसके अलावा ट्रैकिंग करनी हो सकती है, वेरिफिकेशन हो सकता है CSR प्रोजेक्ट्स का, इवैल्यूएशन करना हो सकता है, प्रेजेंटेशन देना हो सकता है जाकर के कंपनियों में। तो इस तरीके की बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, वो डिटेल में आप PDF में जो डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सीधे बात करते हैं कि इनको कौन से स्किल्स चाहिए आपके अंतर्गत में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद रिटन एंड ओरल, यानी कि बोलने की भाषा आपके पास हिंदी और इंग्लिश भाषा कम से कम उसकी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो लेखन का दक्षता है वो भी आपके पास होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश कम से कम, और बोल आप अच्छे से पाएँ, हिंदी इंग्लिश में अपनी बात को समझा पाएँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन स्ट्रीम बिजनेस मॉडल, जो मेन स्ट्रीम बिजनेस मॉडल्स होते हैं कंपनियों के, उनको समझने की आपको स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अच्छा CSR फंड वहाँ से जनरेट कर पाएँ, ये इनको स्किल्स यहाँ पर चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि CSR जब फंडिंग होती है तो वहाँ पर जो प्रपोजल होता है वो इवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी स्किल्स भी आपके पास होंगी तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे और आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको एनालिसिस करना होगा, रिसर्च करनी आनी चाहिए CSR के बारे में कि कौन कौन सी कंपनियां CSR दे रही, कहां वो पैसा लगा रही, कौन कौन से NGOs उनको अप्रोच कर रहे हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। मान लीजिए आपको किसी कंपनी में भेजा गया, वहां पर किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपको आधा घंटा प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में विद फैक्ट्स एंड फिगर उस कॉर्पोरेट को कन्विंस कर पाएं ताकि वो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो भी CSR फंड है वो अलॉट करने के लिए रेडी हो जाए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर जो भी कैंडिडेट इसके लिए जो इंटरेस्टेड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है www.lichousing.com, और उसके बाद करियर वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पर वो अपना रिज्यूम अपलोड कर सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकता है। एप्लीकेंट हु हैव नॉट फिल्ड फॉर्म और द फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सेलेक्शन प्रोसेस। कोई भी गलती अगर आपसे छूट जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाता है और सबमिट हो जाता है, तो अगर कोई इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ऑल द एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑनलाइन टेस्ट। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद लिखा है द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया के हिसाब से ऑनलाइन कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर और आपके इंटरव्यू के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कन्फर्मेशन भी दिया कि द कंपनी रिजर्व राइट्स टू चेंज एंड सिलेक्शन प्रोसेस इफ नेसेसरी। कंपनी कभी भी किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज कर सकती है। यहाँ पर बात करते हैं CTC की कॉस्ट। कंपनी जो मिलेगा आपको वो 6 लाख रुपये से 9 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, तो बहुत अच्छा पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं। अब जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन और 7th June, उसके बाद ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो ये बता रहे हैं कि 7 June 2021 है, तो उससे पहले पहले आप LIC India.in या सिंपल सा इसकी जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वो है www.lichousing.com, यहाँ पर जाकर के आप करियर ऑप्शन में जाकर के आप ये एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट है 24 मई का, जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट ने ये भेजा है और मुंबई से। तो इस तरीके से ये LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में CSR रिक्रूटमेंट में आपके वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ किसी न किसी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई न कोई टॉपिक
पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और आपको इन चीज़ों से अपडेट करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।